पत्नी का महत्व। एक व्यक्ति एक बाबा जी के सामने अपनी पत्नी के दोष बता रहा था। बाबा जी ने उसे पूछा, तुम्हारा धोबी कौन है? वह व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी। बाबा जी ने फिर पूछा, तुम्हारे बावर्ची कौन है? वह व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी। बाबा जी ने कहा, तुम्हारे घर की सफाई वाला कौन है? वह व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी। बाबा जी ने कहा, तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता की सेवा कौन करता है? व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी। बाबा जी ने फिर पूछा, जब तुम और तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की देखभाल कौन करता है? कौन तुम्हारे लिए रातों को जागता है? व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी। तुम्हारे घर और माल की हिफाजत कौन करता है? व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी। बाबा जी ने पूछा, तुम्हारे दुख सुख का साथी कौन है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी। फिर बाबा जी ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी इन सब कामों का तुमसे वेतन लेती है? व्यक्ति बोला, नहीं लेती। बाबा जी ने कहा, तुमने अपनी पत्नी के दोष तो बता दिए लेकिन उसके गुणों को भूल गए और ना ही तुमने उसको समझा। तुम्हारी पत्नी सब कार्य करने के बाद तुमसे वेतन नहीं लेती, बस इतनी सी आशा रखती है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसे प्यार करो और उसका आदर सम्मान करो। दोस्तों, ये स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है, एक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।